मीरपुर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाने पर अनुराग ठाकुर ने दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से हारने पर चुटकी ली है और बयान दिया है कि स्मृति ईरानी ने सांसद न होते हुए भी अमेठी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। सुकारा यूथ एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंगरियानी की छात्रा श्रेया रांगड़ा ने जापान दौरे के दौरान नागोया इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में अपना संवाद दिया। इस मौके पर श्रेया ने इस प्रोग्राम के आयोजकों को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे छात्रों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है और विश्व के अन्य देशों की संस्कृति और पद्धति को जानने का अवसर मिलता है। स्कूल के कार्यरत प्रवक्ता यशवीर पठानिया ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत 6 देशों के 120 छात्र हिस्सा ले रहे हैं और इन छात्रों ने मीना कैम म्यूजियम, टोकिया म्यूजियम, योकोहामा और तोकाई बीबी का भ्रमण करने के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हिरोशी अमोन से मुलाकात करवाई जा रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल के एनसीसी कैडेट ने बाजार में जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर एनसीसी के कैडेटों ने पर्यावरण बचाने के साथ साथ पानी को बचाने के लिए संदेश दिया। एनसीसी कैडेट ने हाथों में तख्तियां लेकर जोर से नारे भी लगाए और जल का सदुपयोग करने के साथ साथ पेड़ों को बचाने के लिए लोगों से अपील की। एनसीसी कैडेटों ने गांधी चौक से लेकर बोटा चौक तक जागरूकता रैली निकालकर पर्यावरण बचाने के लिए संदेश दिया। रैली के दौरान स्कूल के अध्यापक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि गर्मियों में पानी की कमी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के साथ साथ जल का सदुपयोग करने के लिए नारे लगाकर भी जागरूक किया गया। जिला बिलासपुर के लिए आज का दिन दुर्घटनाओं से भरा रहा। आज अलग अलग 3 दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली दर्दनाक दुर्घटना NH-21 चंडीगढ़ मनाली पर बिलासपुर के बामटा में हुई। दिल दहला देने वाले हादसे में बिलासपुर में ट्रक के टायर के नीचे बाइक सवार के आने से मौत हो गई। दूसरी घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर कैंची मोड़ स्थान पर एक ट्रक और कार के आमने सामने भयंकर टक्कर होने पर हुई। इस हादसे में कार में सवार एक युवक पूरी तरह से घायल हो गया जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायल युवक की पहचान दिनेश कुमार सपुत्र अमर सिंह निवासी गांव घड़ियात्र डाकघर कपाही तहसील बल जिला मंडी के रूप में हुई है जबकि मृतक युवक की पहचान रविंद्र कुमार पुत्र सुरेश भंडारी गांव घनौटी जिला मंडी के रूप में हुई है। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिलासपुर भेजा गया है जबकि घायल युवक को परिजन PGI चंडीगढ़ ले गए हैं। तीसरी दुर्घटना में NH-21 चंडीगढ़ मनाली पर बिलासपुर के कोठीपुरा के पास एक टेम्पो को किसी अज्ञात वाहन के पीछे से टक्कर मारने के कारण टेम्पो ढांक से लुढ़क गया। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर शहर में चलाए गए सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अभियान के तहत एक टीम का गठन किया गया है जो टीम रोजाना वार्डों में जाकर लोगों को सूखा कूड़ा व गीले कूड़े के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद की EO उर्वशी आलूवालिया ने बताया कि इस अभियान के तहत हमारी टीम रोजाना वार्डों में जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सूखा कूड़ा व गीले कूड़े के बारे में समझाया जा रहा है। उर्वशी आलूवालिया ने बताया कि लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी समझ नहीं रहे हैं और उल्लंघन कर रहे हैं, उनको जुर्माने के बारे में बताकर समझाया जा रहा है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाते हैं। अभी तक उल्लंघनकर्ता के खिलाफ 25-26 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो इनके चालान किए जाएंगे। बिलासपुर में कचरे की मात्रा काफी कम हुई है और हाल ही में प्लास्टिक का कूड़ा ACC कंपनी को
4 क्विंटल दिया गया है। बाकी गीला कूड़ा खाद बनाने के लिए काम में प्रयोग किया जा रहा है।